ओके, सो नाउ लेट्स क्विकली डिस्कस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। जल्दी से करते हैं, फिर विल डिस्कस बैलेंसिंग, है ना। तो सबसे पहली चीज ये है कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट अपन ने क्या बात करी, वी हैव डिस्कस कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो सामने वाले को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो, है ना। रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट भी बोलते हैं एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। तो देर आर सर्टेन पॉइंट्स विद विच वी कैन प्रिडिक्ट कि साहब कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, है ना। तो एक चीज़ देखिए, एन एलिमेंट इन इट्स हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बात समझिए, कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट है जो अपनी हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसको तो नीचे ही आना पड़ेगा। सपोज एन एलिमेंट इज इन हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट Mn इज इन प्लस 7, सल्फर इज इन प्लस 6, तो अगर वो हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है तो उसको तो नीचे ही आना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन नंबर खुद का तो कम करेगा, सामने वाले का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाएगा, वो छोड़ो, खुद का ऑक्सीडेशन नंबर कम करेगा मतलब खुद होगा रिड्यूस, सामने वाले को करेगा ऑक्सीडाइज, तो वो होगा भाई साहब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एन एलिमेंट इन इट्स हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन अ कंपाउंड इट कैन बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे KMnO4 प्लस 7 में है तो साहब ये प्लस 7 से नीचे ही जाएगा, सामने वाले को ऊपर करेगा, सामने वाले को करेगा ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। K2Cr2 प्लस 6 में है, सल्फर प्लस 6 में है, नाइट्रोजन की मैक्सिमम प्लस 5 होती है, क्लोरीन की मैक्सिमम, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की मैक्सिमम प्लस 7 होती हैं, तो दे विल देमसेल्फ डिक्रीज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, खुद देमसेल्फ रिड्यूस होंगे, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेंगे। चलिए, है ना। वैसे तो अलग अलग खेल है Mn प्लस 7 से, Mn प्लस 2, Mn प्लस 4 और Mn प्लस 6 तीनों में जा सकता है। Cr प्लस 6 जनरली Cr प्लस 3 में जाता है, H2SO4 किसी में भी जा सकता है, SO2, सल्फर 0, सल्फर माइनस 2 किसी में भी, HNO3 प्लस 5 से नाइट्रोजन प्लस 3 माइनस 1 सॉरी माइनस 3 0, नाइट्रोजन कैन एग्जिस्ट इन वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। सिमिलरली प्लस 7 से क्लोरीन प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1 0 माइनस 1 सब में जा सकता है। बट ये बात तो साफ है कि अगर वो लोग अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे तो दे देमसेल्फ विल डिक्रीज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, देमसेल्फ विल गेट रिड्यूस, हम को करेंगे ऑक्सीडाइज, देयरफॉर दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, वैसे मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी हिंट दे दूँ कि KMnO4 Mn प्लस 7 से प्लस 2 जाता है काय में, एसिडिक मीडियम में, है ना। Mn प्लस 7 से प्लस 6 जाता है काय में, हाईली बेसिक मीडियम में, दैट इज इन मीडियम ऑफ KOH और NaOH ओनली, एंड Mn प्लस 7 से प्लस 4 जाता है इन न्यूट्रल और माइल्डली बेसिक मीडियम, है ना। Mn प्लस 7 से MnO2 प्लस 4 में जाता है, तो एसिडिक मीडियम में Mn प्लस 7 से प्लस 2, बेसिक मीडियम में प्लस 6, न्यूट्रल और माइल्डली बेसिक में प्लस 4, तो Mn प्लस 7 से प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 तीनों में जाता है। तो एन फैक्टर कितना होगा, जब प्लस 7 से प्लस 2 में जाएगा तो देयर इज चेंज ऑफ 5, तो एन फैक्टर विल बी 5 और Mn एक ही है तो 5 का ही होगा। वेर क्रोमियम के बारे में प्लस 6 से प्लस 3 में जा रहा है तो एन फैक्टर इज 3, नो, 3 का तो चेंज है और क्रोमियम 2 है तो एन फैक्टर विल बी 6, बट यहाँ पर तो मैंगनीज एक ही है तो 1 से ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो वो तो नीचे ही आएंगे, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेंगे, दीज आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। चलिए, एन एलिमेंट इन इट्स लोएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, अब ये भी वही बात है, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट अपनी लोएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा मतलब उसको तो ऊपर ही जाना है अगर रेडॉक्स रिएक्शन करवानी है, तो दैट पर्टिकुलर एलिमेंट विल डेफिनेटली इंक्रीज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, और लोएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट से जब खुद का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाएगा तो इटसेल्फ इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो इटसेल्फ इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, सामने वाले को करेगा रिड्यूस। ठीक है, एन एलिमेंट इन इट्स लोएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन अ कंपाउंड इट कैन बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि खुद ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाएगा, ऑक्सीडाइज होगा, सामने वाले को रिड्यूस करेगा। फॉर एग्जाम्पल, सल्फर हेयर इज इन माइनस 2, है ना, टिन इज इन प्लस 2, FeSO4 मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, नहीं सल्फर की बात नहीं कर रहा है, FeSO4 में आई थिंक दे आर टॉकिंग अबाउट आयरन, बट आयरन भी प्लस 2 से 0 0 जा सकता है, ये नहीं होना चाहिए, सल्फर की लोएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है यहाँ पर, आयरन के लिए शायद हो सकता है बट सल्फर के लिए तो नहीं है, है ना। या सपोज आप ले सकते हो HCl, अब HCl तो Cl माइनस 1 में है, माइनस 1 से नीचे तो जाएगा नहीं तो खुद ऊपर ही जाएगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा, सामने वाले को रिड्यूस करेगा। सल्फर इज इन माइनस 2, सपोज आप ले लो अमोनिया, अमोनियम नाइट्रोजन माइनस 3 में, इससे नीचे जा ही नहीं सकता, कैसे पता पड़ा, अरे
2.5 है ना, तो मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +5 है, तो समझ लो। और मिनिमम क्या है कि तीन इलेक्ट्रॉन ले ले 2.8 तो -3, तो 3 इलेक्ट्रॉन ले ले 2.8 हो जाएगा, या फिर 5 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, ऑक्टेट डुप्लेट वाली बात है, ठीक है। -3 से +5 वेरी करता है, बट +5 है तो रिड्यूस ही होगा, खुद सामने वाले को करेगा ऑक्सीडाइज, और अगर खुद -3 है तो खुद पक्के से होगा ऑक्सीडाइज और सामने वाले को पक्के से करेगा रिड्यूस। गॉट इट और नॉट? समझ रहे हो? ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ऑसम, दैट्स अमेजिंग, दैट्स फैंटास्टिक एज वेल। एन एलिमेंट इन इट्स इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, एन एलिमेंट इट्स इन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब कुछ बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर कोई एलिमेंट है तो वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज भी कर सकता है, रिड्यूस भी कर सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द अदर एलिमेंट की उसकी क्या चाह, ठीक है। एन एलिमेंट इज इन इट्स इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट इन अ कंपाउंड, इट कैन बिहेव बोथ एज एन रिड्यूसिंग एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फॉर एग्जाम्पल H2O2, HNO2, H2SO3, SO2 सर समझाओ, तो सपोज मैं इसको समझाता हूँ, H2SO3 द ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2 -6, मतलब +4। अब सल्फर +4 में है, तो सल्फर +4 से +6 में भी जा सकता है और अप टू -2 भी जा सकता है, तो -2 to -6 कुछ भी कर सकता है। तो +4 में है तो सल्फर अगर +6 में गया तो इट वुड गेट ऑक्सीडाइज, सामने वाले को करेगा रिड्यूस, और सल्फर अगर +4 से -2 या -1 या 0 में गया तो इट सेल्फ इट विल गेट रिड्यूस, तो सामने वाले को करेगा ऑक्सीडाइज, है ना। सिमिलरली H2O2 में बात करें तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1, तो -1 है तो -2 में भी जा सकता है ऑक्सीजन और 0 में भी जा सकता है ऑक्सीजन। -2 में कब जाएगा? जब वो ऑक्साइड होगा, और 0 में कब जाएगा? जब वो इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन लिबरेट होगा, तो इट वुड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब वो खुद रिड्यूस होगा तब वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब वो खुद ऑक्सीडाइज होगा, सामने वाले को रिड्यूस करेगा, देन इट इज रिड्यूसिंग एजेंट। सिमिलरली सल्फर हेयर इज +4, नाइट्रोजन हेयर इज 4 में से गए 3 +3, तो ऊपर नीचे बोथ साइड जा सकता है, ठीक है। इफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज इन इट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इन अ कंपाउंड, दैट कंपाउंड कैन बिहेव एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वही बातें हैं ना, सेम बातें। अब थोड़ी पावर की बातचीत होने लगी, पावर। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड अगर प्लस, जैसे +1 -8, तो क्लोरीन +7 में, एंड ऑल ऑफ अस नो कि क्लोरीन इज अ ठीक ठाक इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड, अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मैक्सिमम फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन क्लोरीन, तो क्लोरीन इज अ ठीक ठाक इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड और उसकी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड वॉन्ट्स टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, दे वॉन्ट्स टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टूवर्ड देमसेल्व्स, दे वॉन्ट टू विद देयर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उनको तुमने +7 में रख दिया मजबूरी में, तो उनकी चाहत, तमन्ना, आरजू, अभिलाषा सब कुछ है सब माइनस में जाए, तो दे वॉन्ट टू रिड्यूस देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सामने वाले को बहुत अच्छे से ऑक्सीडाइज करेंगे, तो दे आर वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। चलिए, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज इन इट्स लोएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन कंपाउंड और फ्री स्टेट, इट कैन बिहेव एज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, इतना कोई वो नहीं है इसमें, है ना। तो इन द नेक्स्ट सेगमेंट विल डिस्कस अबाउट बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट।